हे वेलकम गाइस, आप लोग का बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के वीडियो पर आने के लिए। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में क्या हुई है बदलाव, दूसरी इसमें इस बार कितने छात्र देंगे एग्जाम और किस जिले से कितने विद्यार्थी देंगे एग्जाम, और आगे क्या क्या होगा बदलाव। तो बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं एग्जाम को सेंटर को लेकर और भी बहुत सारे कुछ, और इस बार कुछ कुछ नए नए फैसले भी आए हैं। तो आप मेरी ये पूरी वीडियो देखते रहे, आपको सभी की सभी बात समझ में आ जाएगी। और उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप चलते हैं गाइज। इस बार बिहार बोर्ड 10th एग्जाम जो है, यहाँ देख लीजिए, इस बार बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में बहुत सारे छात्र से ज़्यादा छात्राएँ इस बार अधिक बढ़ चढ़कर भाग ली है, और जिलों से भी बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं। आपको मैं इसको पेपर से मैं लेकर उसको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो गाइज, तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास एक पेपर का है, ये हिंदुस्तान पेपर है। चाहे तो आप जाके अपने हिंदुस्तान पेपर घर में आता होगा तो आप जाके वहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हैं। गाइज देख लीजिए, यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा इस बार छात्राओं से ज़्यादा छात्राएं हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ देख लो आप लोग कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस बार बेटों की तुलना में बेटियाँ अधिक शामिल होगी, और बिहार बोर्ड की माने तो कई जिलों में छात्र की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। कई जिलों में तो छात्र और छात्राओं की संख्या में 500 से 600 तक का अंतर है। इस बार मैट्रिक में कुल 16,60,571 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें से 8,36,992 छात्राएं और 8,23,589 छात्राएं भी शामिल होंगे। मतलब दोस्तों, यहां साफ जाहिर हो रही है कि 16,60,000 परीक्षार्थी में से 8,36,992 छात्राएं हैं, जबकि 8,23,500 छात्र ही है। मतलब छात्राएं इस बार ज़्यादा है, बढ़ चढ़कर मैट्रिक में छात्राएं ज़्यादा है, छात्र कम है। छात्राओं की संख्या पिछले साल की तुलना में और अधिक बढ़ गई है। यहाँ तक नहीं, इंटर में देखो, इंटर में लेकिन छात्राएं कम है, मैट्रिक में छात्राएं बढ़ी लेकिन वही इंटर में छात्राओं की संख्या कम हो गई। इंटर में कुल 12,07,975 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें से 7,60,000 है, वही छात्राएं मात्र 4,86,588 है। तो वो ये थी बात, और यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट बनाई हुई है। चाहे तो आप इसको चाहते हैं लिस्ट देखना, अगर मैं उतना लंबा वीडियो नहीं चाहता हूँ बनाना, आप चाहते हैं तो आप वीडियो को पुश करें और बीच में ही रोककर यहाँ किशनगंज से कितना आए हैं, बेगूसराय से कितना है, अपने तक खुद से देख ले। और दूसरों दोस्तों दूसरी जानकारी यह है कि अगर आपको दोस्तों चाहते हैं आप कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है जो आई है, न्यू बदलाव बिहार बोर्ड में, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हमारी लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वो सभी के सभी वीडियो आपको वहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप जाके हमारे चैनल के आइकन पर क्लिक करके भी हमारे चैनल पर सीधे जाकर बिहार बोर्ड की न्यूनतम बदलाव को भी आप लोग देख सकते हैं। तो जाकर आप लोग प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों चलो, इसके साथ विदा लेता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ऐसे घंटी वाले बेल क्लिक कर लेना, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगी। गुड बाय।